नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो गांधी जयंती के मौके पर चंपारण से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस यात्रा के ऐलान के साथ ही उन्होंने जन स्वराज का नारा भी दिया था। अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी ऐसा ही ऐलान करते हुए पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करने की बात कही। उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की मांग के लिए यात्रा करने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी लंबे समय से मांग रही है कि बिहार में जातिवार जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम के एक और विवादित बयान सामने आया है। इस बयान में संगीत सोम ने ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बात कही है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। 92 में बाबरी और 22 में ज्ञानव्यापी की बारी है। आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर तो मस्जिद खड़ा किया था, उसे वापस लेने का समय आ गया है। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और सांसद शशि थरूर द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्विटर पर ही भिड़ गए। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट किया कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर में उकसाने वाली और एक तरफा होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिंगापुर के चैनल न्यूज एशिया का आर्टिकल शेयर करते हुए थरूर ने कहा कि भारत की रूलिंग पार्टी की तरफ से प्रमोट की गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिंगापुर में बैन कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक सिंह की गिरफ्तारी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। खबर है कि इस दौरान पंजाब सरकार भी भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। देश के मशहूर शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। 84 वर्षीय शर्मा बीते 6 महीने से किडनी से जुड़ी समस्या से पीड़ित थे और डायलिसिस पर थे। मंगलवार को उनका कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। शिव कुमार शर्मा को संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र के तौर पर स्थापित करने के लिए जाना जाता है। संतूर जम्मू कश्मीर में प्रचलित वाद्य यंत्र था और जिसे शिव कुमार शर्मा ने दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया था। कंट्रोल बोर्ड ने राहुल द्रविड़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर के हवाले से खबरों को गलत बताया है। सोमवार को भाजपा विधायक ने दावा किया है कि द्रविड़ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होने वाली युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सत्र में शामिल होंगे। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार को बुलडोजर से पहुंचने पर विवाद शुरू हो गया है। वहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और इसके चलते बुलडोजरों को हटाना पड़ा था। मंगलवार को एक बार फिर से दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचे हैं। इस दौरान भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। यही नहीं, अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन भाजपा पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। होम मिनिस्टर अमित शाह इस महीने एक बार फिर से गुजरात के दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरान वो देवभूमि द्वारका, अहमदाबाद, केढ़ा और गोधरा जा सकते हैं। इसके अलावा वो कुछ मीटिंगों में भी शामिल होंगे जिसमें चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। यही नहीं, कई कल्याणकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इस दौरान वो उद्घाटन भी कर सकते हैं। कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर से पहले बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। सोमवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट देने, अहम पद पर रहने के बाद 3 साल कूलिंग ऑफ पीरियड होने और पैनलों में बड़ी संख्या को कम करने जैसे प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हाईकमान को सुझाव दिया गया था कि प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारिणी शामिल नेताओं को एक कार्यकाल पूरा होने के बाद भी 3 सालों तक पद से दूर रखा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को गुजरात के दाहोद पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो इस दौरे पर उनका खास ध्यान आदिवासी मतदाताओं पर होगा, लेकिन अब पार्टी के ही आदिवासी समिति के अध्यक्ष की रैली ने कांग्रेस नेताओं को पसोपेश में डाल दिया है। इधर पहले ही गुटबाजी, दल बदल और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता से अलर्ट कांग्रेस ने अपने बचे हुए विधायकों को राहुल के स्वागत में तैनात करने का फैसला किया था। पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड ने यूक्रेनी पत्रकारों को उनके देश पर रूस के आक्रमण के साहसी कवरेज के लिए सम्मानित किया है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अमेरिकी मीडिया दिग्गज द वॉशिंगटन पोस्ट को भी मिला है। ये 6 जनवरी 2021 के दंगे की रिपोर्टिंग से जुड़ा है, जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने वॉशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किया था। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सरगर्मियां तेज होने लगी है। पेंशन, सातवें वेतन आयोग समेत कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों ने प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इधर चक्रवाती तूफान का असर पश्चिम बंगाल, असम, बिहार समेत कई राज्यों में नजर आने की उम्मीद है। खबर है कि तूफान आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर पहुंच सकता है।
दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क के भारत आने की अटकलें हैं। सोमवार को उनके एक ट्वीट ने इस पर और बल दे दिया। मस्क ने हिस्ट्री डिफाइंड नामक एक ट्विटर हैंडल को जवाब देते हुए भारतीय वास्तुकला के लिए अपना शौक व्यक्त किया है। उनके इस ट्वीट पर उनकी माँ माए मस्क ने अपना ससुर की एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें आगरा स्थित ताजमहल की यात्रा का जिक्र है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब देश में डिजिटल तरीके से जनगणना होगी, जिसके आंकड़े 100% सही होंगे। उन्होंने कहा है कि डिजिटल तरीके से की गई जनगणना के आधार पर अगले 25 सालों की पॉलिसी निर्धारित करने में मदद मिलेगी। असम के कामरूप जिले के अमीगांव स्थित जनगणना ऑफिस का उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जनगणना की पॉलिसी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सिर्फ जनगणना के आधार पर विकास का पैमाना तय किया जा सकता है। माँ के साथ छोटे बच्चे बिना दिक्कत के सो सके, इसके लिए भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए आरक्षित नीचे की बर्थ के साथ बेबी बर्थ यानी कि बच्चे की बर्थ की व्यवस्था शुरू की है। दरअसल ट्रेन में सफर के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याओं को देखते हुए सीट के सामने ही बेबी बर्थ बनाया गया है। महिला के लिए आरक्षित नीचे की बर्थ के साथ बच्चे की बर्थ की व्यवस्था की गई है। हालांकि फिलहाल परीक्षण के तौर पर कुछ ट्रेन में इसे लगाया गया है। फेसबुक कथित तौर पर कम उपयोग के कारण आपके रियल टाइम स्थान को ट्रैक करने वाली कई सेवाओं को बंद कर रहा है, जिसमें नियर फ्रेंड्स, लोकेशन हिस्ट्री और बैकग्राउंड लोकेशन शामिल है। पहले टेक दिग्गज ने कहा था कि वो 31 मई को इन सुविधाओं से जुड़ा डेटा एकत्र करना बंद कर देगी और 1 अगस्त को किसी भी संग्रहित डेटा को मिटा देगी। लोग अभी भी स्थान सेवाओं का उपयोग ये प्रतिबंधित करने के लिए कर सकते हैं और उनके स्थान की जानकारी कैसे एकत्र और उपयोग की जाती है। भारत में एक दिन में कोविड 19 के 2288 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,07,689 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 19,637 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 10 और लोगों की जान जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,103 हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के सुल्तानगंज में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने के लिए तेज हवाओं को जिम्मेदार बताने वाले एक बयान पर आश्चर्य जताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई इस तरह के जवाब विश्वास कैसे कर सकता है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सचिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा तेज हवा और धुंध के कारण हुआ था। बिजली वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का बकाया मई 2022 में सालाना आधार पर 4.04% बढ़कर 1,21,765 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मई 2021 तक डिस्कॉम पर बिजली वितरण कंपनियों का बकाया 1,17,026 करोड़ रुपए था। बकाया भुगतान को लेकर केंद्रीय बिजली सचिव आलोक कुमार ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नर्सिंग ऑफिसर की सरकारी नौकरी के मौके का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। ओडिशा राज्य के सभी 30 जिलों और राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 13 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के कुल 4,070 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। आयोग द्वारा सोमवार 9 मई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 मई से शुरू होगी और उम्मीदवार 7 जून तक पंजीकरण और 12 जून 2022 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। मर्सिडीज बेंच इंडिया ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर 2022 सी क्लास एडवांस एडिशन को 55 लाख यानी कि एक्स शोरूम की शुरुआत कीमत पर लॉन्च कर दिया है। मर्सिडीज बेंच सी क्लास के कई प्रीमियम सेडान मॉडल भी बाजार में उपलब्ध हैं। हालांकि इसमें से नई बेंच सी क्लास बहुत सी खास मॉडल है, जो कि कई एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फीचर से लैस है। श्रीलंका में नेताओं और मंत्रियों के घरों को आग के हवाले किए जाने से वहां के हालात अधिक खराब हो गए हैं। हालांकि इन हालातों के लिए अधिकतर लोग और जानकार सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने सोमवार की घटना के लिए कहीं न कहीं सभी पक्षों को दोषी ठहराया है। केरल के सबसे भव्य और शानदार त्योहारों में से एक त्रिशूल पूरम आज मनाया जा रहा है। ये त्यौहार राज्य के विभिन्न मंदिरों में आयोजित की जाती है। हालांकि आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र वडक्कन्नुनाथन मंदिर है। त्रिशूल और उसके आसपास के छोटे मंदिरों से देवताओं का जुलूस मंगलवार सुबह वडक्कन्नुनाथन मंदिर में एकत्रित हुए। वडक्कन्नुनाथन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ लोग इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। चिकित्सा जगत का भविष्य नैनो पार्टिकल्स में छिपा हुआ है। मीटर के अरबवें हिस्से को नैनोमीटर कहा जाता है और 1000 नैनोमीटर से छोटे सूक्ष्म कणों को नैनो पार्टिकल्स कहा जाता है। पिछली सदी के 8वें दशक में नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा सामने आ गई थी। तब से अब तक कई क्षेत्र में इन सूक्ष्म कणों का प्रयोग किया जाने लगा है। पिछले कई सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग को लेकर कई शोध भी हुए हैं।
कई राज्यों खासतौर पर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की वजह से लंबित स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को लंबित निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्य खासतौर से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। डिजिटल की दिशा में बढ़ रहे देश में अब ई जनगणना होगी। असम दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा है कि डिजिटल माध्यम से की गई जनगणना की कवायद से 100% सटीक गणना की उम्मीद की जा सकती है। गृह मंत्री का कहना है कि जनगणना कई मायनों में अहम है। उनका कहना है कि देश की विकास योजनाओं के बेहतर नियोजन के लिए सटीक गणना महत्वपूर्ण है। छात्रों और अपने खुद के फायदे को देखते हुए देश के ज्यादातर विश्वविद्यालय अब अपने यहां पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के जरिए ही दाखिला देने को तैयार है। इसे लेकर इन विश्वविद्यालयों के बीच भी भारी रुझान देखने को मिल रहा है। पहले ही साल CUET के जरिए देश के करीब 50 विश्वविद्यालय दाखिला देने जा रहे हैं। इनमें राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालयों के साथ ही निजी विश्वविद्यालय भी शामिल है। हालांकि विश्वविद्यालयों की यह संख्या केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कट ऑफ परसेंटाइल को कम करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि चिकित्सकों को मरीज के जीवन को बचाना होता है, इसलिए योग्यता की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ कर रही थी। कुतुब मीनार को लेकर विवाद तुल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को हिंदू संगठनों से जुड़े लोग आज हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कुतुब मीनार पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लोगों ने कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का दावा है कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है। सांसद नवनीत राणा का लीलावती अस्पताल में MRI की फोटो वायरल होने पर अब शिवसेना ने उन पर आक्रमण किया है। अब आज शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे, पूर्व मेयर किशोरी पेंडकर और युवा सेना नेता राहुल कनल मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है श्वेता कुमारी, नुनु कुमार, दिलीप कुमार यादव, प्रिया यादव, सोनी कुमारी, दिवाकर सिंह, अखिलेश यादव, अमन कुमार, सोनाली सिंह, कपूर शाहिद। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश में घूमने वाला सबसे मशहूर स्थान कौन सा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।